दोस्तों आज मैं आपको उस वीडियो पर बताऊंगा कि आप WhatsApp का डाटा कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब आपके दोस्त या फिर कोई और जब WhatsApp डाटा पर कोई वीडियो लगाते हैं और आप उस वीडियो को देखते हैं, और देखने के बाद यदि आप उस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं अपने फ़ोन में, तो वो आप कैसे कर सकते हैं जानने के लिए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुजन और आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉप सपोर्ट। यदि आप मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लाल बटन को प्रेस करके साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारा अगला जो वीडियो आने वाला है उसका नोटिफाई आपको कर दिया जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपना फाइल मैनेजर को ओपन कर लीजिएगा। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद दोस्तों आपको अपना व्हाट्सएप का जो फाइल है उसे ओपन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट्सएप, तो आप जैसे ओपन करते हैं उसके बाद मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके व्हाट्सएप के जितने भी फोल्डर है वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है वो आप ध्यान से देख लीजिए, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे जो थ्री डॉट दिए गए है इसके ऊपर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सो हिडन फाइल्स। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली से सो हिडन फाइल्स पे क्लिक करना है। तो अब जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस। तो मैं जैसे इसे ओपन करता हूँ उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अपना व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है वो आप ध्यान से देख लीजिए। दोस्तों व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस स्टेटस पे चले जाना है। उसके बाद आप जिस स्टेटस को डाउनलोड करना चाहते हैं उसके ऊपर प्रेस करना है और उस स्टेटस को पूरा वॉच करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक स्टेटस को ओपन कर लिया है। तो अब आपको क्या करना है, उस स्टेटस को पूरा का पूरा देख लेना है जिस स्टेटस को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो वीडियो को वॉच किया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दो वीडियो को पूरा का पूरा व्यू किया है, ठीक है। तो अभी मैं आपको अपना व्हाट्सएप फाइल को ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना व्हाट्सएप का फाइल ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद मैं जैसे ही स्टेटस पे क्लिक करता हूँ उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जिस वीडियो को वॉच किया था वो दो वीडियो यहाँ पे आ चुका है। अभी मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे वॉच किया था वो यहाँ पे डाउनलोड होके प्ले हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरह से आप जब अपने WhatsApp स्टेटस को देखते हैं तो वो स्टेटस आपके फाइल मैनेजर में सेव हो जाता है, और इसी तरह से आप अपने फाइल मैनेजर में उस वीडियो को या फिर फोटो को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो पर बस इतना ही बताना था आपको। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और जब मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार मुझे देख रहे हैं तो कोई कहना कुछ नहीं, बस नीचे लाल बटन को प्रेस करके साथ ही में बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि हमारा अगला जो वीडियो आने वाला है उसका नोटिफाई कर दिया जाए, क्योंकि हम इसी तरह से डिफरेंट वीडियोस आप लोगों को डालते रहता हूँ। चलिए दोस्तों, चलिए बाय, मिलते हैं अगला वीडियो पर।